हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 12th क्लास का फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66, जो कि कमला दास ने लिखी है, उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कमला दास जो है हमारी इंडियन पोइटेस है, जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखा है। उन्होंने जब वो साउथ में लिखती थी तो वो माधवी कुत्ती के नाम से लिखती थी, उनका जो पेन नेम था वो माधवी कुत्ती था। फिर जब वो उर्दू में लिखने लगी तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। उसके बाद जब वो इंग्लिश में लिखने लगी तो उन्होंने अपना नाम कमला दास रख लिया। कमला दास की एक, आप बोल दीजिए, एक जॉनर है या एक विशेषता है, उनकी एक लेखन की शैली है। वो शैली क्या है? वो शैली है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो शब्दों से परिचित ही होंगे। एक तो आपका है बायोग्राफी और दूसरा है ऑटो बायोग्राफी। का मतलब क्या होता है? जीवनी। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। कि जब कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे पर्सन पे उसकी लाइफ साइकिल के बारे में या उसके जीवन का जब वो चित्रण करता है, कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी के बारे में जब वो चित्रण करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। और जब स्वयं इंसान खुद के जीवन के ऊपर लिखता है, खुद के जीवन का जब वो चित्रण करता है, उसको जब वो एक किताब में ढालता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब स्वयं के द्वारा जो लिखा जाता है। तो जो माय मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखा है वो क्या है? आपका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। मतलब कमला दास के जितने भी वर्क्स हैं वो क्या है? इंस्पायर्ड बाय हर ऑटोबायोग्राफीज, इंस्पायर्ड बाय हर ओन लाइफ, इंस्पायर्ड बाय हर ओन लाइफ है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। कि कहीं ना कहीं ये सारे किस्से क्या हैं? उनके जीवन में घटित हुए हैं। तो घटित होने के कारण उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इन सब का जिक्र किया है। ये जो पोयम है माय मदर एट 66, उन्होंने क्या किया है? अपने, जब वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है तो जब वो अपनी मदर से मिलके और वापस चेन्नई के लिए, कोचिन के लिए आ रही होती है, तब दोनों आपस में एक दूसरे को जब गुड बाय कहते हैं और गुड बाय कहने के वक्त जो इमोशंस कमला दास के मन में आते हैं, उन इमोशंस को उन्होंने क्या करा है? पोयम माय मदर एट 66 के जरिए चित्रण करने का कार्य किया। तो ये जो आपका टाइटल है माय मदर एट 66, इसका अगर भावार्थ हम लोग देखें, शाब्दिक भावार्थ देखें, तो शाब्दिक भावार्थ क्या होता है? कि कमला दास की माँ जो कि 66 ईयर्स, मतलब 66 साल की थी, और उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था या उनका आप देखेंगे कि किस तरीके से वो दिखाई दे रही थी एट द एज ऑफ 66, या किस तरीके का उनका हाव भाव हो गया था, उसको लेके और कमला दास पूरा आपको डिपिक्ट करती है। अब यहाँ पे क्या है, माय मदर एट 66 में हम लोगों ने 3 स्टेंजास लिए हैं। पोएट ने, कमला दास ने 3 स्टेंजास में लिखा है। तो ये 3 अलग अलग कलर्स में हमने 3 स्टेंजास लिए हैं। इन तीनों स्टेंजास को, तीनों पद्यांश को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कमला दास किस तरीके से इस पोएम में अपने इमोशंस को साझा कर रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अब कमला दास क्या कह रही है? ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मम्मी पापा हैं कमला दास के, उनके घर से और कोचिन एयरपोर्ट के लिए जब वो निकलती है बाय कार, कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही है अपनी माँ के साथ। शुक्रवार का दिन है, सुबह का समय है, तो सुबह के समय में जब वो जा रही है तो क्या देखती है? आई सो माई मदर, मैंने देखा, क्या देखा? बिसाइड मी, मेरे पास में मैंने अपनी माँ को देखा। क्या कह रही कमला दास? कि मैं जब
लास्ट फ्राइडे को सुबह के समय में अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तो मेरे पास में मेरी माँ बैठी हुई थी। तो वो क्या देखती है, डज ओपन माउथ। डज का मतलब क्या है, उंगना। ओपन माउथ मतलब खुला हुआ मुंह था। हर फेस एशियन लाइक मतलब राख के जैसा। डेट ऑफ अ कॉप्स मतलब लाश के जैसा। अब वो क्या कह रही है कि उसका मुंह क्या था, वो ऊँग रही थी, मुंह खोल के और वो ऊँग रही थी, मानो कि वो थक गई और थकने के कारण वो क्या है, सो रही हो या वो आराम की निंद्रा में थी। तो उसका चेहरा कैसा है, राख के जैसा लग रहा था, डेड ऑफ कॉप्स जैसे लाश होती है। मतलब कि उसके ऊपर से जो सारी चमक थी, एक जो इंसानी चमक होती है, इंसानी ह्यूमर होता है, वो एक उत्सुकता होती है, एक जो एक्साइटमेंट होता है ह्यूमन लाइफ का, वो एक्साइटमेंट कहीं भी कमला दास को अपनी माँ के चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा था। जब वो अपनी माँ के साथ, उसकी माँ उसके पास में कार में बैठी हुई थी और लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग के टाइम पे वो अपने माँ के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तब वो अपनी माँ के चेहरे पे देखती है कि उसकी माँ का चेहरा क्या है, खुला हुआ है, वो ऊँग रही है और उसके चेहरे से जो सारी रौनक है, जो सारी चमक है, वो चमक चली गई है और उसका चेहरा कैसा हो गया, राख के जैसा हो गया। मतलब उसका चेहरा जो है वो पूरी तरीके से कलरलेस हो गया, राख से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने मेटाफर यूज़ किया है कि राख के जैसा, कि राख का मतलब क्या है, राख अपने में से क्या कर लेता है, राख अपने में से, न राख को अगर आप चखोगे तो उसको आपको कोई स्वाद भी नहीं आएगा, उससे आपको कोई स्मेल भी नहीं आएगी, और उसका जो कलर है वो कलर भी क्या होता है, बिल्कुल कलरहीन होता है। तो कमला दास का माँ का चेहरा भी क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कलरहीन हो चुका है। बिल्कुल जो उसमें इमोशंस थे, उनमें जो चमक थी, उनमें जो तेज था, वो जा चुका है, जैसा कि वो लाश के जैसी नज़र आ रही थी। कमला दास जो है वो अपनी माँ को पास में जब वो बैठी हुई है, तो पास में बैठे हुए जब वो देखती है, तो उसको देख के ऐसा उसको लगता है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दो मेटाफर यूज़ किए हैं, कॉप्स और रशन। मतलब क्या है, राख और लाश, ये दोनों कमला दास ने क्या किए हैं, मेटाफर यूज़ करे हैं अपनी माँ के लिए। आगे क्या कह रही है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, कि उसको बड़े दर्द के साथ क्या होता है, ये एहसास होता है, दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वो क्या हो चुकी है, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है जैसा कि वो दिखाई दे रही थी। पहले स्टेंजा से रेफरेंस लिए, पहले स्टेंजा में क्या किया है, कमला दास ने सारा रेफरेंस दिया है, क्या रेफरेंस दिया है कि उसकी माँ अब क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़ी होके अब कैसी हो गई है, उसका जो चेहरा है वो राख के जैसा हो गया है, मतलब बिल्कुल कलरलेस हो गया है, वो ऊँग रही है, बिल्कुल क्या हो चुकी है, पावरलेस हो चुकी है, मतलब उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, और कमज़ोरी महसूस होने के कारण क्या है, वो ऊँग रही है, वो सो जा रही है, और उसका चेहरा कैसा है, लाश के जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो अब क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। तो वो क्या कह रही है कि बड़े दर्द के साथ कमला दास को ये क्या होता है, एहसास होता है कि उसकी माँ अब क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। बट सून, लेकिन जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जैसे ही वो ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, वो विचार उसके दिमाग में आते हैं, वो क्या करती है, इन विचारों को अपने दिमाग से हटा देती है। क्यों हटा देती है, क्योंकि हो सकता है कि ये विचार उसको और क्या कर दे, द्रवित कर दे, ये विचार उसको और क्या कर दे, दुखी कर दे, ये विचार उसको और परेशान कर दे, ये इन विचारों से वो क्या चाहती है, दूर भाग जाना चाहती है। तो अपने दिमाग से जल्दी उन विचार को क्या कर देती है, हटा देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब भागना, कि वो क्या करती है कि कांच के बाहर विंडो खोलती है, और विंडो खोलने के बाहर क्या करती है, देखती है कि जो पेड़ हैं वो पेड़ क्या कर रहे हैं, कार इस तरीके से आगे जा रही है और पेड़ क्या हो रहे हैं, पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जो पेड़ हैं वो पेड़ क्या हो रहे हैं, भागते हुए उसको नज़र आ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब खुश, जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि वो क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग मतलब बाहर निकलना, बच्चे खुशी से अपने घरों से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वो
जो पेड़ हैं उन पेड़ को भागते हुए अपने से दूर जाते हुए देखती है, और जब कांच खोलती है तो जो जब वो कार में से आगे बढ़ रही है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, तो जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों से क्या है हंसते हुए खिलखिलाते हुए भागते हुए उसको नज़र आ रहे हैं। तो दूसरे स्टेंजा में कमला दास ने अपनी माँ के लिए ये बात कही और उसने कहा है कि ये जो विचार उसके दिमाग में आ रहे थे उन विचारों को वो दूर भगाती है। अब जो तीसरा स्टेंजा है, तीसरे स्टेंजा में कवियत्री क्या कहती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। अब क्या होता है, कमला दास सबसे पहले कार में बैठी हुई थी, अपनी माँ को देखती है, फिर उसके मन में ख्याल आते हैं उसकी माँ का चेहरा कैसा हो गया है, राख के जैसा हो गया है उसकी माँ का चेहरा, जो है वो मौत लाश के जैसा उसको दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल कलरलेस हो गया है, वो उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल दुर्बल हो गई है, तो वो ऊँग रही है। उसके बाद वो सारे विचार अपने दिमाग से हटा के और अपना ध्यान किसी और जगह लगाती है, तो उसको वो पेड़ जाते हुए, जो किनारे से पेड़ है वो दूर जाते हुए नज़र आते हैं, जो खुशहाल बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते नज़र आते हैं, और इस तरीके से वो क्या करती है एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है, और एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद जो एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है, क्या करती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कि अपने सामान वगैरह को वो चेक करवाती है, अपने पासपोर्ट वगैरह को चेक करवाती है, और उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कि उसकी माँ से कुछ दूरी खड़ी थी, मतलब अब क्या हो गया, बैरिकेड्स हो गया, एक सीमा होती है जहाँ तक एयरपोर्ट पे, जहाँ तक क्या है पैसेंजर्स को ही अंदर जाने दिया जाता है, और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो कॉरिडोर के उस ओर खड़े रहते हैं, वहाँ से उनको वो गुड बाय कहते हैं। तो कुछ ही दूरी पे बीच में कॉरिडोर्स हैं, और कुछ दूरी पे उसकी माँ खड़ी है और कुछ दूरी पे कमला दास खड़ी है, वो सारा अपना पासपोर्ट वगैरह चेक करवा के और या अपने टिकट्स वगैरह चेक करवा के, बोर्डिंग पास उसने ले लिया है और अपना लगेज वगैरह उसने चेक करवा लिया है। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से क्या करती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है। उसको जो ख्याल फर्स्ट स्टेंजा में आए थे, उसकी माँ क्या हो चुकी है, बिल्कुल लाश के जैसी हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है, उसका चेहरा राख के जैसा हो गया है, दूसरे स्टेंजा में उसने कहा उसकी माँ क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, वो ख्याल वो थोड़ी देर के लिए क्या करती है अपने दिमाग से हटा देती है, लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद क्या करती है, फिर से वो ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है। वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, वेन पेल का मतलब क्या हो गया, कमजोर, पेल का मतलब पीला, कि उसकी माँ का चेहरा कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है, वेन मतलब कमज़ोर सा दिखाई देने लग गया है, मतलब क्या है कि उसके माँ के चेहरे पे क्या है कई सारी झुर्रियाँ आ गई है, उसकी माँ का चेहरा क्या हो चुका है, दुबला हो चुका है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, कि क्या कह रही है यहाँ पे, फिर से क्या किया है, मेटाफर का यूज़ किया है, तुलना करिए उसके माँ के चेहरे की तुलना किससे की है, एज अ लेट विंटर्स मून, के जो सर्दियों में जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा से क्या कर रहे हैं, उसके माँ के चेहरे की तुलना कर रहे हैं। सर्दियों के चंद्रमा से क्यों किया है, क्योंकि जब सर्दी में चंद्रमा निकलता है तो वो क्या होता है, बादलों में घिरा रहता है, और बादलों में घिरा रहने के बाद एक और उसकी खासियत रहती है, वो खासियत क्या रहती है कि जब आप उस चंद्रमा को सर्दियों में देखोगे, सर्दियों की रातों में, तो उस पर आपको क्या है, कई सारी झुर्रियाँ नज़र आएगी, कई सारी आपको लाइनिंग्स नज़र आएगी, तो वो लाइनिंग्स क्या हो रहा है, वो उसकी तुलना, उन झुर्रियों की तुलना उसकी माँ की जो एज है उसकी तुलना वो कर रही है लेट विंटर्स मून से, कि जो सर्दियों का चंद्रमा है जिसपे पूरी झुर्रियाँ पड़ी हुई, लाइनें पड़ी हुई है, उससे वो तुलना करते हुए कह रही है, और उसका जो पुराना दर्द है, एच मतलब दर्द, वो दर्द फिर से उसका क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है, माय चाइल्ड हुड्स फियर, कि बचपन में उसको ऐसा लगता था, डर लगता था, क्या डर लगता था, कि कहीं उसकी माँ भी उसको क्या है छोड़ के ना चली जाए, उसकी माँ भी उससे क्या हो जाए, दूर ना हो जाए, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने ये सब विचार को क्या किया, दूर किया, और दूर करते हुए मैंने सिर्फ क्या कहा अपनी माँ को, सी यू सून अम्मा, कि गुड बाय अम्मा, और बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अगर मैं कुछ कर सकती थी तो वो क्या कर सकती थी, अपनी माँ की तरफ देख के मुस्कुरा सकती थी, मुस्कुरा सकती थी और मुस्कुरा सकती थी, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से कमला दास ने बड़ी भावपूर्ण तरीके से उसकी माँ के प्रति जो उसका प्यार था, या उसके माँ के प्रति जो उसके इमोशंस, जब वो उसको अलविदा कहने के लिए आती है,
जो इमोशंस उसको आते हैं वो उन्होंने अपनी पोएम माय मदर एट 66 में बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ बयां किए हैं, और कई सारे मेटाफर्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है।